एचपी टेट, सी टेट, यूपी टेट एंड वट एवर ऑल इंडिया में टेट से रिलेटेड होने वाले एग्जामिनेशंस की वैलिडिटी को जो है वो लाइफ टाइम कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजिंदर और आप देख रहे हो आरएसबी लेटेस्ट इन्फो। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे वेरियस ग्रुप में आज की डेट में ये मैसेज जो है बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है कि अभी टेट का जो है वो एग्जामिनेशन लाइफ टाइम के लिए जो है उसकी वैलिडिटी कर दी गई है यदि आपने इस एग्जाम को पास कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एक बार इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको लगे कि वीडियो जानकारी कहीं ना कहीं आप सबके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हो, वेरियस न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जो है वो हमें न्यूज मिल रही है कि अभी टेट का जो एग्जामिनेशन पास करने के बाद उसकी वैलिडिटी 7 ईयर की होती थी, उसे जो है वो लाइफ टाइम के लिए किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा ये सिर्फ एक अप्रूवल आया है, अभी इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है और वेरियस स्टेट्स के अंदर जो है अभी इसकी फाइनल नोटिफिकेशन किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं मिल रही है। हमने ऑलमोस्ट सभी जितनी भी वेबसाइट थी वहां पे जाके चेकआउट किया, बट हमें जो है वो कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिला जिसमें कि डायरेक्टली ये मेंशन किया गया होगा कि आपका टेट जो है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। बट कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें ये जानकारी जरूर मिली है कि ये जो है वो जस्ट प्रपोजल है और इसे जो है वो किसी नियम के अकॉर्डिंग जो है अभी अप्रूव किया गया है, बट फाइनल जो है उसे अप्रूवल तभी मिलेगा जब ये जो बोर्ड है वो सेंट्रलाइज होगा, यानी कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो है इसे अपने वेरियस स्टेट लेवल पे जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो है वो डिसीजन लिया गया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीआई की बैठक में। इसी बैठक में जो है वो इस मुद्दे को डिस्कस किया गया था क्योंकि वेरियस स्टूडेंट्स जो है वो टेट एग्जामिनेशन देते हैं, पास कर लेते हैं, बट उसकी वैलिडिटी जो है वो 7 ईयर की होती है। चाहे आप हिमाचल टेट के लिए बात कर लो, चाहे आप सी टेट के लिए बात कर लो, बट उत्तर प्रदेश में जो है वो टेट आई थिंक 5 ईयर के लिए होता है। तो इस चीज को जो है वो गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में सोचा है और इस बैठक में भी इस चीज को डिस्कस किया गया है कि क्यों ना इस टेट की वैलिडिटी को 7 ईयर 5 ईयर से रिमूव करके लाइफ टाइम कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, यदि ऐसा होता है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि वेरियस स्टूडेंट्स, खासकर लेडीज जो होती हैं, लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद वो घर के काम के कारण व्हाटएवर अपने उनकी इतनी व्यस्तता हो जाती है कि वो अपने एजुकेशन पे फोकस नहीं करवा पाती, बट उन्होंने जो है वो टेट क्लियर भी किया होता है, बट जब उनका बैच वाइज होना होता है या व्हाटएवर उनका जो है वो एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उनका टेट की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है। तो उस वजह से भी कई स्टूडेंट्स जो है वो टीचर बनने से जो है वो नहीं बन पाते। तो फ्रेंड्स, और एक बात तो यही मेंशन होती है कि जिसने एक बार टेट क्लियर कर लिया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसे दोबारा से टेट देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने देखा ही है सी टेट भी ऑलमोस्ट साल में 2 बार होता है, एचपी टेट भी साल में ऑलमोस्ट 2 बार होता है एंड इसी तरीके से मैक्सिमम ऑल इंडिया लेवल पे डिफरेंट स्टेट जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो अपना टेट एग्जामिनेशन जो है वो करवाती है। बट जो भी टीचर बनना चाहता है उसे जो है वो टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास करना होता है। उसे देखते जैसे सीबीएसई के लिए यदि आप सी टेट देते हो तो पार्ट वन एंड पार्ट टू में होता है, यदि पार्ट वन में आप क्लियर कर लेते हो तो आप प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल होते हो 1 से लेकर 5th तक, एंड यदि आप पार्ट टू क्लियर कर लेते हो तो देन आप जो है वो 6th से लेकर 8th तक जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपके इस टॉपिक के बारे में क्या विचार है कि टैट लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप वीडियो में जरूर कमेंट करें और इससे रिलेटेड कोई भी फाइनल इन्फॉर्मेशन यदि हमें मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, तो उस पीडीएफ को हम इमीडिएटली जो है आप सबके साथ शेयर कर देंगे। और हमारे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन है, यदि ऐसा हो जाता है तो वो 100% स्टूडेंट्स को जो है वो फायदा होगा और वो एक बार टैट के बजाय जो है वो कमीशन में ही फोकस करेंगे क्योंकि वेरियस स्टूडेंट्स जो है वो सोचते हैं कि अगर मेरे इस बार मार्क्स कम है तो मैं ट्राई करता हूं कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैं अपनी परसेंटेज ले लेता हूं ज्यादा, उसी लिए मैं टेट दे देता हूं, और टेट की फीस भी बहुत ज्यादा है और यदि आप एक बार पास कर लोगे और लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी होगी तो सोने पे सुहागा होगा। ये आपके इसके ऊपर क्या विचार है जल्दी से कमेंट करिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ, तब के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल आरएसपी लेटेस्ट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें क्योंकि टैट से रिलेटेड एंड सी टैट से रिलेटेड व्हाटएवर डिफरेंट ऑल इंडिया लेवल पे जो है जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए हम जीके एंड और भी नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़िए और यदि आपको हमारे टॉपिक अच्छे लगे तो उन्हें अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।